फ्रेंड्स, हिंदी का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर 8, जैसे को तैसा, ये कहानी है। प्रस्तुत कहानी में हरिदास नामक ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है। एक दिन वह चालाकी करता है और कई लोगों को ठगता है, किंतु अंत में उसे इस गलत काम का परिणाम भुगतना पड़ता है। वह स्वयं ही एक डाकू द्वारा ठग लिया जाता है। उज्जैन नगर में हरिदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मानकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे भिक्षा में एक सेर चावल मिले। मौसम खराब होने के कारण वह चावल पका नहीं पाया। उसी नगर में सुनंदा नामक एक औरत रहती थी। हरिदास ने सुनंदा को चावल दिए और उन्हें पकाने के लिए कहा। सुनंदा ने कहा कि उसके घर में चावल पकाने की हंडिया नहीं है। तब हरिदास ने उसको एक हंडिया दी और कहा, इसमें चावल पका दो। सुनंदा ने हंडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिए। हरिदास को हंडिया में एक पाव चावल कम लगे। हरिदास ने कहा, बहन, ये हंडिया कह रही है कि तुमने इसमें से एक पाव चावल निकाल लिए हैं। इस पर सुनंदा बोली, क्या तुम्हारी हंडिया बात भी करती है? इस हंडिया के बोलने से ही तो मेरे पेट का गुजारा हो रहा है। इस पर सुनंदा हंसी और बोली, हरिदास भाई, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। कम से कम ये हंडिया दे दो तो इससे बात करके मेरा समय कट जाया करेगा। इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी। इसकी कीमत पूरी 2,000 रुपये है। यदि तुम इतना पैसा दे सकती हो तो मैं ये हंडिया तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इतना पैसा तुम्हें दूंगी, है कहकर सुनंदा ने हरिदास को 2,000 रुपये दिए और हंडिया ले ली। हरिदास रुपये लेकर चला गया। सुनंदा ने उत्सुकता के साथ हंडिया के सामने एक गिलास लाकर रखा और हंडिया से पूछा, हंडिया बता, मैंने क्या लाकर रखा है? हंडिया ने कुछ ना कहा तो सुनंदा ने उसके सामने तरह तरह की चीजें लाकर रखी और सवाल की, पर हंडिया कुछ ना बोली। सुनंदा को हरिदास के छलावे पर क्रोध आ गया और वह बहुत दुखी हुई। उधर हरिदास 2,000 रुपये लेकर चला जा रहा था। रास्ते में एक सुनसान रास्ता पड़ा। रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग गया तो हरिदास ने उसको पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। उधर से ही एक अफसर घोड़े से गुजर रहा था। उसने देखा कि हरिदास कुत्ते पर सवार होकर जा रहा है। इस पर अफसर ने हरिदास से कहा, भाई, यह बताओ तुम्हारा कुत्ता अच्छा है या मेरा घोड़ा? आपका घोड़ा मेरे कुत्ते के मुकाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसे दिन भर घास दाना देना पड़ता होगा, पानी पिलाना पड़ता होगा, फिर मालिश करनी होती होगी। एक आदमी को इतनी देखभाल में लगे रहना होता होगा, पर मेरा कुत्ता ऐसा नहीं है। जहाँ छोड़ दो वहीं अपना भोजन तलाश लेता है, खा पी कर वापस घर आ जाता है। इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया, इस लिहाज से तो मेरा कुत्ता ही अच्छा है। हरिदास की तर्क संगत बात सुनकर अफसर बोला, हरिदास, क्या तुम हमारे घोड़े के बदले में इस कुत्ते को दे सकते हो? हरिदास ने नागनुकुर की तो अफसर जिद करने लगा। अंत में हरिदास ने कुत्ता अफसर को दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। अफसर ने पूछा, इस कुत्ते पर सवारी करते समय इसे काबू में कैसे रखा जाता है? हरिदास ने बताया, लचीली छड़ी के 2-3 चाबुक इसकी पीठ पर जमा देना, वह तुरंत ही काबू में आ जाएगा। हरिदास शान से घोड़े पर बैठकर चला गया। उधर अफसर ने कुत्ते पर बैठकर उसको आगे बढ़ाना चाहा तो कुत्ता टस से मसना हुआ। अफसर ने छड़ी से कुत्ते की पिटाई कर दी। कुत्ता क्रोधित हो गया और गुर्राकर अफसर पर लपका और उसे काटकर भाग खड़ा हुआ। अफसर के कांटों तो खून नहीं, क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी। उधर हरिदास घोड़े पर सवार हो आर्य नगर जा पहुंचा। वहां उसने ठहरने के लिए एक घर की तलाश की। उसे एक बुढ़िया ने रहने के लिए जगह दे दी। घोड़े के ठहरने का भी प्रबंध किया और उसके देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया। एक रात बीत गई। हरिदास अस्तबल गया और उसने घोड़े की लीद में कुछ रुपए मिला दिए और बुढ़िया से आकर बोला, मेरा घोड़ा रुपयों की लीद करता है। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ और तो हरिदास ने कहा, चाहो तो जाकर देख लो। बुढ़िया अस्तबल गई और देखा कि लीद में रुपये पड़े हुए हैं। बुढ़िया ने पूछा, इस घोड़े से रोज कितने रुपए मिल जाते हैं? हरिदास ने कहा, रोज करीब 1,000 रुपये यह घोड़ा लीद में देता है। बुढ़िया को लालच आ गया। वह बोली, मैं तुम्हें इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत दूंगी, यह घोड़ा मुझे दे दो। हरिदास ने पहले नानुकूर की, फिर 10,000 रुपये में घोड़े को बेचकर वह वहां से चला गया।
इधर सुबह बुढ़िया ने अस्तबल में जाकर लीद देखी तो वहां लीद के सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला। काफी देर तक उसने इंतजार किया, तब उसे लीद में रुपए नहीं दिखे। बुढ़िया की समझ में आ गया कि वह परदेसी उसे ठग कर चला गया है। वह सिर पीट कर रोने लगी। 10,000 ठग कर हरिदास चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गांव दिखा। उस गांव की एक दुकान पर हरिदास ठहर गया और उसने खाने पीने की चीजों के भाव पूछे। भाव पूछते समय उसने हर वस्तु को चक्कर खाया और इस तरह जब उसका पेट भर गया तो आगे चल पड़ा। इस पर दुकानदार ने उसको टोका, पैसे तो देते जाओ भाई। इस पर हरिदास ने कहा, चखने के बाद लगा कि तुम्हारी चीजों से पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जब मैंने चीजें खरीदी ही नहीं है तो पैसे किस बात के। दुकानदार को क्रोध आ गया और दोनों में बहस होने लगी। तभी उधर से ग्राम पंचायत के मुखिया का काफिला गुजरा। मुखिया बहस सुनकर रुक गया और मामला जानने की कोशिश की। तभी वहां हरिदास को ढूंढते हुए सुनंदा, अफसर, बुढ़िया तीनों आ पहुंचे। सबने अपना अपना दुखड़ा रोया तो मुखिया ने पंचायत बैठा ली और कार्यवाही शुरू की। मुखिया बोला, क्यों हरिदास, क्या सच है कि तुमने इन सब लोगों को ठगा है? इस पर हरिदास कुछ ना बोला और खामोश रहा, केवल माथे पर 5 उंगलियां रखकर दिखाई। मुखिया ने सोचा कि शायद इसमें कोई रहस्य है, शायद वह घूस में मुझे 5,000 रुपये देगा। मुखिया ने तुरंत पंचायत बर्खास्त कर दी और सबको अपने अपने घर भेजने के बाद उसने सुनंदा से कहा, क्या तुमने कभी हंडिया को बोलती हुई सुना है? सुनंदा बोली, नहीं। फिर तुमने हरिदास को पैसे क्यों दे दिए? तुम झूठ बोल रही हो, चली जाओ यहाँ से। मुखिया ने बाद में अफसर से कहा, क्यों साहब, आवारा जानवर अच्छा होता या पालतू जानवर? अफसर ने जवाब दिया, पालतू। मुखिया ने कहा, ये जानते हुए तुमने अपना पालतू जानवर हरिदास को क्यों दे दिया और उसका आवारा कुत्ता क्यों ले लिया? तुम अब झूठ बोल रही हो। अफसर भी सक पकाकर चले गए। तब मुखिया ने बुढ़िया से कहा, क्यों तुमने कभी सुना है कि घोड़ा रुपयों की लीद देता है? उसने कहा, नहीं मुखिया जी, तो तुमने यह जानते हुए भी घोड़ा क्यों खरीदा? इसमें हरिदास का कोई दोष नहीं है। फिर मुखिया ने दुकानदार से कहा, सामान लेने से पहले उसने उसे परखने के लिए ही देखा, कोई सामान खरीदा तो नहीं था, इसमें हरिदास की कोई गलती नहीं है। सारे लोग मन महसूस कर चले गए तो मुखिया ने कहा, लाओ 5,000 रुपये निकालो। इस पर हरिदास ने कहा, मैंने 5,000 रुपये देने के लिए कब कहा? मैंने तो माथे पर 5 उंगलियां यह कहने के लिए रखी थी कि मेरा नाम 5 अक्षरों वाला है। इस पर मुखिया खूब जोरों से हंसा और फिर अपना वेश हटाकर कमर से लंबा चाकू निकाला तो हरिदास डर गया। मुखिया के रूप में वह इस इलाके का खतरनाक डाकू कुंदन सिंह था। डाकू ने हरिदास के पास से सारा माल ले लिया और चलता बना। हरिदास जैसे ठग को सबक मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कविता समझ पाठ समझ में आया होगा।